नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न 7 हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है कॉट स्क्वेयर थीटा का मान निकालिए। आइए हम इसका हल देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जो सबसे पहला काम है वह है समकोण त्रिभुज बनाना। जहां भी त्रिकोणमिति अनुपातों की बात आएगी वहां समकोण जरूर बनेगा, समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा। तो देखिए, हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। हम इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी सी और इसे मानते हैं हम थीटा। तो कॉट थीटा, बेटा कॉट थीटा का फार्मूला जो होता है वह होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से देखिए, बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8। अब हम जो सबसे पहला काम है वो क्या है बच्चों, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा हम निकालेंगे। बच्चों कैसे निकालेंगे, याद है आपको, हम इसे निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, इसका नाम है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर। बेस कितना है देखिए, 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8, तो यानी 8 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। तो एसी का स्क्वायर आ गया 9 4 13, हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 11। यहां से एसी कितना आ जाएगा, एसी का स्क्वायर यदि 113 है तो एसी किसके बराबर होगा, 113 के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। यहां तक हमने बच्चों इसकी तीसरी भुजा पता की है, जो कि आई है √113। कई बच्चे रूट को देख के डर जाते हैं कि √113 आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल गलत है, इस पे काटा मार देते हैं और सवाल छोड़ देते हैं। आपने घबराना नहीं है बेटा, अगर आपने सवाल ठीक किया तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, गलत नहीं है। अब हम इसे पूछा गया है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना जरा जो मैं करने जा रहा हूं, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के होता है ना बच्चों। इसी प्रकार से नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वह होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। आइए इसे हल करते हैं। 1 का स्क्वेयर होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बटा, नीचे है 1 का स्क्वेयर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यूज यहां डालनी है। तो देखिए ध्यान से, ये बड़े वाला भाग आ गया, ये वाला 1 माइनस साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा 8/√113 और साइन का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 बटा हाइपोटेन्यूज है √113 इसका होल स्क्वायर। क्यों आया होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर भी था, इसलिए कॉस का स्क्वायर। इसे हमने हल करना है बच्चों,
कई बच्चे इसको देख के भी घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा आपने घबराना। देखो वन ये बड़े वाला भाग आया, ये बीच वाली जो लाइन है आगे है वन माइनस आठ का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर होगा 113 बटा वन माइनस सात का स्क्वायर होगा 49 बटा रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। इसे हम आगे हल करते हैं, यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन और यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन। एक और 113 का जो लघुत्तम आएगा वह आएगा 113। इस लघुत्तम को एक से भाग किया तो उत्तर आया नीचे वाली से भाग ऊपर वाली से गुना, 113 को एक से भाग किया तो आया 113, 113 को ऊपर एक से गुना करा तो हमारे पास आ गया 113 माइनस 113 को 113 से भाग किया एक, एक को ऊपर 64 से गुना किया 64। ये बड़े वाली लाइन ये आ गई, नीचे फिर से एक और 113 का लघुत्तम आएगा 113, 113 को एक से भाग करने पर आएगा 113 और वह 113 ऊपर एक से गुना हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 113 माइनस 113 को 113 से भाग करने पर प्राप्त होगा 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। 113 में से 64 माइनस करो, 13 में से 4 गया 9 बटा और 10, 10 में से 6 गया 4 बटा 113 बड़े वाली भाग। 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 64 बटा नीचे है 113। अब इसे कैसे हल करते हैं बच्चों, इसे हल करते हैं पहली रकम ऐसे ही लिखेंगे 49 बटा 113, दूसरी रकम के बीच में भाग है, भाग का बन जाएगा गुना और ये रकम आगे जाके हो जाएगी उल्टी, ये 64 बटा 113 थी अब ये बन जाएगी 113 बटा 64। तो यहां से क्या होगा बच्चों, 113 से 113 कट जाएगा और हमारे पास जो उत्तर आएगा वह आएगा 49 बटा 49 ऊपर है और 64 नीचे तो 49 बटा 64। तो बच्चों ये हमें मान ज्ञात करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसका मान हमारे पास आया है 49 बटा 64। ये आपका प्रथम भाग हल हो गया। अब इसका दूसरा भाग भी था, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है लेकिन हम इसको कर देते हैं। यही दूसरा भाग है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉट थीटा प्रश्न में ही दिया हुआ है, कॉट थीटा है 7/8 तो इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 बटा 8 का स्क्वायर होता है 8×8=64 तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान आया है वह आया है 49/64। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही भाग यहां हल कर दिए हैं। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा और यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के हल अच्छे से देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।